मेरा नाम डॉक्टर रवि है। मैं शिशु हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स और स्पोर्ट्स इंजरी सर्जन हूँ। हमारे पास कुमार गौरव 2 हफ्ते पहले आए थे। इनकी शिकायत थी कि इनकी कंधे बार बार घसक रही है। लगभग 8 बार कंधा घसका था और जब ये आए थे उसके 4 दिन पहले लास्ट एपिसोड था कंधा घसकने का। प्रोफेशनली IT प्रोफेशनल हैं और ऑन एंड ऑफ स्पोर्ट्स में भी इन्वॉल्व हैं। कुमार गौरव जी, आप बताइए कैसा था आपका जब आए थे आप, तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। मतलब मैं यहाँ आया सर नेक्स्ट टू नेक्स्ट फ्राइडे, सर से पहली बार मुलाकात हुई तो मैंने, मेरा रीज़न यही था कि शोल्डर डिसलोकेशन है और कहीं भी कुछ भी करने में एक मन में डर रहता है कि कहीं डिसलोकेट नहीं हो जाए। तो सर से बात हुई, सर ने सजेस्ट किया कि इसके लिए सर्जरी कराने के लिए, तो एडमिट हुआ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, सर्जरी में कोई पेन नहीं हुआ, सर्जरी बहुत अच्छे से रहा। नेक्स्ट डे से मेरा हैंड मूवमेंट भी रहा और कभी भी ऐसा कि नहीं बहुत पेन हो रहा है, बहुत अच्छे से केयर किया गया यहाँ पे और स्टाफ भी बहुत अच्छे रहे और सर का रेगुलर विजिट भी रहा, तो मेरे लिए ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। आप बताएंगे कि आपका शोल्डर मूवमेंट हम लोग ने कब से शुरू कराया था ऑपरेशन के बाद? सेकेंड को ऑपरेशन हुआ, 3rd मॉर्निंग में मेरा मूवमेंट कर रहा था। दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं, दर्द नहीं हो रहा। एक बार आप दिखाएंगे क्या? नॉर्मली ऑपरेशन के बाद फर्स्ट पोस्ट ऑप डे से ही शोल्डर का पेंडुलम एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं हम लोग, बैंक कार्ड्स रिपेयर। ये एक ये मूवमेंट होने लगा, बिल्कुल सही। उसके बाद एक ये मूवमेंट कराया गया था, ये अप एंड डाउन और रिस्ट का, इसमें मेरे को कोई पेन का नहीं है, ये हो रहा है।